हर हर महादेव जय श्री कृष्ण। हेलो एवरीवन, आज सब लोग उदास हो और उदास होना ही चाहिए क्योंकि आज सर्कल प्रॉपर नहीं आ रहा है, राइट? आपका डांस मैंने पहले ही बोला, इतना खूबसूरत डांस है लेकिन सर्कल प्रॉपर नहीं आ रहा है। गर्ल्स, छोटी जो लड़कियां हैं, छोटे जो लड़के हैं, उनका भी इतना कंप्लेन नहीं है जितना आपके ग्रुप का कंप्लेन है। अभी क्या किया जाए, आप बोलिए क्या करना है। चलो सर्कल तो क्रिएशन तो प्रॉपर होना ही चाहिए। अभी गाओगे भी आप लाइन और करोगे भी आप। चलो लास्ट पोजीशन ले लो आपकी। कौन सी है लास्ट पोजीशन? हाँ, वहाँ से फिर तीन तीन लोग हैं साइड में। अभी यहाँ पे कौन सी लाइन है? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, राइट? वो लाइन आपकी है। तो उस लाइन पे आपको क्या करना है, आज ना आपको डांट पड़ने वाली है बहुत सी। अगर सर्कल प्रॉपर नहीं हुआ तो मैं चेंज करूँगी, लेकिन ना पहले आपका रिस्पॉन्स चाहिए प्रॉपर, ठीक है? चलिए पहले हम अपनी पोजीशन पे आ जाओ, फर्स्ट वाली पोजीशन। वहाँ से आपको जो स्टेप क्रिएट करना है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, वहाँ से नहीं, जगह से वापस जाना है ना। यहाँ पे ये पोजीशन ऐसी है ना आपकी, यहाँ पे, यस, ये वाली। अभी आपको फर्स्ट लाइन में जाना है, श्री वो वाली लाइन थी, लक्ष्मी नारायण नारायण वो वाली लाइन थी। तो पहले वो आपको लेना है श्रीमन नारायण, फिर लक्ष्मी नारायण। दो याद रखना है आपको, दो लिरिक्स जो है उसमें चेंज होते हैं। तो पहली वाली जो लाइन आती है वहाँ पे है, चलो श्रीमन नारायण, उसमें कैसे है, यहाँ पे आपको जगह लेनी है, वहाँ पे जाना है। चलो शुरू हो जाओ, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, यस। ये लाइन में आपने ये क्रिएट किया, फिर लक्ष्मी नारायण में आपको ऊपर जाना है। कहाँ पे करना है? यस, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। उसके बाद जो है वो सर्कल करना है वापस श्रीमन नारायण पे। चलो अब सर्कल कैसे क्रिएट करेंगे, करो। चलो अभी आप लोग गाओ, किसी को नहीं आता है क्या? चलो करो सर्कल। नहीं, अभी भी नहीं आ रहा है गर्ल्स, आपको पनिशमेंट मिलने वाला है आज। वीरा एनर्जी दिखाओ, थोड़ा सा झुकना है, जब गरबा लेते हैं ना तब हम झुक, यस, हाँ ये वाली एनर्जी आनी चाहिए। लेकिन आप लोग क्या करो, एनर्जी लेस हो रहा है आपका। अभी इसके बाद जो वाली लाइन होती है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, तो उसमें मैंने आपको समझाया था हाथ पकड़ना है और कैसे करना है, उसको ऊपर लेना है, फिर कृष्ण भगवान का जो है यस पोज आपको लेना है। अभी यहाँ पे भी मुझे ना सेटिस्फेक्शन नहीं है, यहाँ पे भी सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं है। बोलो आज क्या किया जाए आपके साथ। यहाँ पे आप सबका मुंह इधर रखिए, मैं कुछ बोल रही हूँ आपको। बोलो क्या करना चाहिए। कल से ऐसा करेंगे, इन लोगों का एक घंटा अलग और आपका एक घंटा अलग, राइट? करना है। मेरे ख्याल से घर पे कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, बहुत की डांट पड़ी है गर्ल्स आज आपको ना। आपका अगर प्रॉपर नहीं होगा ना, मैं डांस कैंसिल कर दूंगी। अभी आप लोग सोच लो क्या करना है आप लोगों को, एनर्जी के साथ करना है या फिर डांस कैंसिल करना है, क्या करना है? चलिए बोलिए क्या करना है। सब स्माइल कर रहे हो, ये हंसने वाली बात नहीं है गर्ल्स। अभी मेरी ओर से तो आज आपको डांट पक्की ही है, छोटे बच्चों को किसी को नहीं मिली है, सिर्फ आपको मिली है। अभी आप सोच लो, अभी आपको ना योगा भी करना है, तो आप इसमें ही एनर्जी नहीं दिखाओगे, प्रॉपर नहीं करोगे, तो फिर मैं योगा किसी और ग्रुप को दे दूं क्या? आपको करना है। चलिए अभी डू योर बेस्ट और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए, अभी कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, ठीक है? चलो प्रॉमिस करो, सब प्रॉमिस तो करो, यहाँ पे देख के करोगे या नहीं करोगे? आपके मम्मी पापा भी देख रहे हैं वीडियो, फिर बोलेंगे यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, दिखेगा वहां पे। रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, मैं तो गुरु हूँ, मैं डांटूंगी और समझाऊंगी, दोनों साथ में काम करूंगी, लेकिन आपको क्या करना है, रिस्पॉन्स देना है ना, करोगे? चलो सिंबल दो करने का, कि हाँ करेंगे। चलो ठीक है, अभी एनर्जी ना इसमें भी बिल्कुल नहीं है, लेट्स सी, अभी मैं देखूंगी एनर्जी आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है? ओके चलो वापस प्रैक्टिस करते हैं। आज ना पूरा दिन मेरा ऐसा ही जाने वाला है, सबको डांटना ही पड़ेगा। अभी आप लोग भी नहीं कर रहे हो, क्या करना है?
चलो देख लेती हूँ, चलो शुरू कर दो आप ऐसे स्टेप विदाउट म्यूजिक। मुझे जस्ट जो है नहीं वहाँ से नमामि से, तो मुझे वो स्टेप क्लियर होने चाहिए। हाँ यस यू कैन सिंग, या आप बोल रहे हो कि आप गाओगे लेकिन कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, आप गा रहे हो सच्ची में? तो वही तो बोल रही हूँ, गाना आपको दे दिया है, फिर अगर गाना सुन के भी आप नई वर्डिंग्स को लिरिक्स को नहीं पकड़ोगे तो प्रैक्टिस कैसे होगा आप बताओ अभी, अभी आप बताओ कैसे प्रैक्टिस होगा। मूव्स जो है ना डांस के स्टेप्स, वो तभी आएंगे जब आपको लिरिक्स याद रहेगा, क्योंकि बेसिक जो कोरियोग्राफी जो होती है ना वो लिरिक्स पे होती है। गाने के जो वर्ड्स होते हैं ना उस वर्ड्स से जो है कोरियोग्राफ करते हैं पूरा स्टेप। अगर उसको ही आप परफेक्ट नहीं करोगे, आपको वो लाइन परफेक्टली याद नहीं रहेगा, तो अभी आप सोचो क्या होगा। हाँ चलो करो, दिखाओ मुझे, कोशिश करो, चलो ये। तो अभी पूजितम, तो हमने ना ईश्वर की पूजा की, तो वो ऐसे ही अक्कड़ में करेंगे या सर झुकाएंगे भगवान के सामने? यस, तो वो उनको भी पकड़ना है। मैं जैसे करवा रही हूँ वो ध्यान से देखिए आप के लिरिक्स के हिसाब से क्या चल रहा है। चलिए अभी नेक्स्ट वाली लाइन, ओके चरणों में वंदन कर रहे हैं। हाँ तो अभी कविता आप झुक रहे हो, काजल मैडम आपको थोड़ा झुकने की जरूरत है उसमें, चलो हाँ अभी आई कांटेक्ट भी उसी तरह से जाना चाहिए। अगर डाउन पे आप हाथ जो है वो नीचे ले जा रहे हो तो आई कांटेक्ट आपका नीचे होना चाहिए, अगर आप ऊपर ले जा रहे हो तो आई कांटेक्ट आपका ऊपर होना चाहिए। चलो हाँ हाँ तीन बार करना है। यहाँ पे भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। आप काउंट करो कितने स्टेप्स जा रहे हो, आप तीन स्टेप जा रहे हो, तीन स्टेप काउंट करो, फिर फोर्थ पे आपको जो है यस देन टू राउंड, यस टू राउंड टू। हाँ अभी काजल मैडम का परफेक्शन नहीं आ रहा है, चलो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, किसी भी हाल में समय निकालो, कुछ भी करो प्रैक्टिस करो, ठीक है? हाँ अभी यहाँ तक ठीक है, आप इसका वापस प्रैक्टिस कर लो, फिर हम देखेंगे आपसे प्रॉपर होता है या नहीं होता है, ठीक है? चलो ऑल द बेस्ट। आज कुछ नया लग रहा है शायद गेम्स में, सो मैम आज कौन सा गेम खेल रहे हैं ये लोग? आज हम न्यूज़पेपर और बॉल है वो पासिंग करने वाले हैं। अच्छा आगे, आगे पासिंग करेंगे और जो दो लोगों ने पासिंग कर लिया होगा वो उसके पीछे लाइन में खड़ा हो जाएगा, और जिनसे गिर गया वो आउट हो जाएगा। अच्छा वो आउट हो जाएगा, चलो एक डेमो देख लेते हैं अभी। चलो चिंटू लाल आ जाओ अपनी जगह पर, चलो अभी आपका डेमो दिखाएंगे ये लोग। चिंटू यहाँ पे आ जाओ, चलो अभी इसको कौन कैरी करेगा, दूसरी टीम। हाँ। अभी इनसे गिर गया, आउट हो गए ना, चलो आप दोनों पकड़ो। अभी यहाँ पे बच्चों को जो है वो बैलेंसिंग सिखाई जा रही है कि आपको बॉल को पेपर से बैलेंस करना है। ये बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हैं, शायद लग रहा है ये पहली बार खेल रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि इनका बैलेंस जो है वो प्रॉपर हो जाए। एकदम से तो प्रॉपर नहीं होगा लेकिन कोशिश तो होनी ही चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये गेम ऐसे खेला जाता है। अभी नेक्स्ट टीम जो है वो भी यहाँ पे ट्राई कर रही है, देखिए ये लड़कों की टीम है यहाँ पे, अभी ये भी कोशिश कर रहे हैं अभी इनका। चलो पहली टीम का बैलेंस तो अच्छा रहा, दूसरी टीम जो है वो भी अभी बैलेंस कर रही है। हमें कर रहे हैं। हाँ क्या कर रहे हो आप? चलो अभी यहाँ पे देखिए इन ये टीम का बैलेंस बहुत ही अच्छा है, ये एकदम ध्यानपूर्वक कर रहे हैं। अभी हम जाएंगे यहाँ पे तीसरी टीम के पास, तो देखिए लड़कियाँ यहाँ पे रेडी है, और अभी चलो बैलेंस रख लो पहले। चलो फोल्ड नहीं करना है, पेपर को सीधा रखना है और बैलेंस करना है। यहाँ पे देखिए लड़कियाँ, बड़ी लड़कियाँ जो बहुत ही एक्साइटेड है और एकदम ध्यान से कर रही है, आज तो हो ही जाएगा इनसे।
अच्छी बात है कि इनको इनमें भी मजा आ रहा है, एकदम उत्साह के साथ यहाँ पे ये बच्चे खेल रहे हैं। तो इसमें जो है एक जो है प्रॉफिट रहता है इनको कि माइंड भी सेट होता है कि कैसे हम इनको बैलेंस करें, तो माइंड भी उसमें सेट करना पड़ता है और एनर्जी भी लेवल जो है बैलेंस नॉर्मल रखना पड़ता है कि बॉल जो है वो गिरनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अभी तीन टीम यहाँ पे बना दी गई है और तीनों की तीनों टीम जो है वो अभी बैलेंसिंग में लग गई है। तो बच्चे इंजॉय भी कर रहे हैं और खेल भी रहे हैं। तो अभी यहाँ पे जो है बच्चे जॉइंट हो जाते हैं दूसरी दूसरी टीम में। तो ये लोग लड़कियाँ गिर गया, चलो कौन आउट हो गया, कौन आउट हो गया, चलो वो दोनों आउट हो गई। अभी ये कर रही है, अभी दूसरी टीम को देंगे और देखते हैं होता है या नहीं होता है। जिनसे हो जाता है वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो गाइज आपको कैसा लगा ये बैलेंस गेम, कैसा लगा वो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, आप लोग ज़रूर बताना। आज मैंने सबको डांटा, मैंने इसलिए डांटा क्योंकि प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं हो रही थी, तो थोड़ा सा एज ए गुरु मुझे डांटना पड़ा उन लोगों को। और ये बॉल जो है गेम्स वो भी आज बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, तो वो आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए टाटा बाय बाय।